उसके बारे में बयान मेरे ख्याल शिक्षा मंत्री जी दे चुके हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर मामला है, इसके तह तक जाना पड़ेगा और जो सरकार और पुलिस की कार्रवाई है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इस बात को खुद सरकार ही बोल चुकी है कि अपनी तरफ से जांच हम लोग करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए अभी तो केसेस कम आ रहे हैं लेकिन जैसा कहा कि तीसरी वेव कभी भी आ सकती है जैसे सेकेंड वेव आई थी, इसलिए हम सब बोलते हैं कि प्रिकॉशंस लें, मास्क पहन कर रखें, हाथ तो धोते रहें, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का, दवाइयों का, मेडिसिन का, हॉस्पिटल बेड्स का, उसको पिछले 1.5 साल में बहुत हमें मजबूत किया है, इसलिए हम पूरी तरह चाक चौबंद हैं, तैयार भी हैं, लेकिन पब्लिक को समझना पड़ेगा त्यौहार आ रहे हैं, अब दशहरा दिवाली आ रहा है, तो लोगों को जितना ज़्यादा हम सतर्क करें उतना बेहतर रहेगा। लेकिन जैसा कहा जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं, डेंगू लगातार फैल रहा है ज़िले में, इसलिए हमने सफाई अभियान, छिड़काव अभियान वो सब यहाँ चालू करवा रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब ने बोला मेरे को कि भी एक नया अभियान चला रहे हैं कि पट्टा ऑन द स्पॉट, मतलब घर में जाकर सब दस्तावेज पहले मंगा लें उसके, और ये बहुत बड़ी राहत होती है भाई किसी को। और मैंने कहा कि भाई जो पट्टा आवंटन करें प्रमाण पत्र जो फोटो नहीं थे तो फोटो लग जाते हैं तो फिर अगले ट्रांसफ़र करने में आसानी रहती है लोगों को, तो लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं। और देखिए जो सबसे वंचित तबका है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, इसलिए हमारी कोशिश है कि सारी सेवाएं मंत्रालयों की, डिपार्टमेंट्स की, विभागों की, उन तक पहुंचे जो सबसे वंचित और गरीब लोग हैं। और इन दोनों अभियानों में प्रशासन शहर के संग, प्रशासन गांव के संग में अच्छा काम हो रहा है और ज़िले में लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिला कलेक्टर महोदय भी लगातार मॉनिटर कर रही हैं और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और ये इस अभियान का पूरा लाभ जनता भी उठाए, ऐसा हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।